मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला पर्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, यानी देवताओं के दिन आरंभ हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण में आते ही देवताओं की शक्ति में वृद्धि होने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, यानी कि सूर्य का किसी विशेष राशि पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। और सूर्य जब मकर राशि में आता है तब मकर संक्रांति होती है। आथर इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कार्यों को करना शुभ माना गया है, वहीं कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस बार भी मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मिथिला पंचांग के अनुसार सुबह 8:30 से एवं काशी पंचांग के अनुसार प्रातः काल 8:42 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम 5:40 तक रहेगा। इसकी अवधि 10 घंटे 45 मिनट की रहेगी। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। वैसे तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में मकर संक्रांति का दिन भी लोगों के लिए हर दिन के जैसा ही होता है, इसलिए लोग सुबह उठकर चाय और नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम घर पर जरूर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व होता है, इसलिए इस दिन घर के अंदर या बाहर पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भी किसी भिखारी साधु या बुजुर्ग या किसी अन्य याचक को घर से खाली हाथ न जाने दे। आपसे जितना संभव हो उतना दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन दान करने का सर्वाधिक महत्व है। दान में तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा है। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, गुटखा, सिगरेट, इन सब से आज के दिन दूरी बनानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए और दूसरों को मधुर बोल ही बोलने चाहिए। वैसे तो यह हर दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुँचे, लेकिन संक्रांति के दिन इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद भोजन न करें। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपके अंदर अधिक गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है, इस दिन खिचड़ी या तिल खाना शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, मांस, मछली, इन सब से दूर रहना चाहिए। इस दिन मसालेदार खाने से भी दूर रहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर पहले घर की सफाई करनी चाहिए और इस दिन घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना ना भूले। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।